अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम। टुडे वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 8। कंप्लीट द टेबल बिलो। यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल एंड दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम्स, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। एंड इन दिस कॉलम वी हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। दीज आर द सोर्सेज एंड दीज सोर्सेज आर नेचुरली अकरिंग इन आवर इन्वायरमेंट। लाइक फर्स्ट वन इज़ एयर। एयर इज़ द नेचुरली अकरिंग सोर्स एंड वी गेट डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर एंड वी गेट डिफरेंट रॉ मटीरियल्स। दीज आर दी रॉ मटीरियल्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम एयर लाइक नोबल गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एंड वी विल यूज़ दीज डिफरेंट गैसेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। लाइक वी यूज नाइट्रोजन फॉर फर्टिलाइजर्स, वी यूज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ड्राई आइस एंड दीज ड्राई आइस यूज इन रेफ्रिजरेटर्स। एंड वी यूज नोबल गैसेज फॉर दी फॉर्मेशन फॉर द मेकिंग ऑफ डेकोरेटिव लाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के साइन बोर्ड्स एंड लाइट्स वगैरह देखी होंगी रोड साइड्स पर, और वो जो साइन बोर्ड्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट लाइट्स यूज़ की जाती हैं जो डेकोरेटिव लाइट्स हैं, ये नोबल गैसेज से प्रिपेयर की जाती हैं। नेक्स्ट वन, रॉ मटेरियल इज़ वाटर एंड वी गेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम दी वाटर। एंड वी यूज़ सॉल्ट एंड वाटर फॉर द मेकिंग ऑफ ड्रिंक्स, फूड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल। डिफरेंट किस्म के इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने के लिए भी हम सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। एंड थर्ड वन, सोर्स इज़ रॉक्स। रॉक्स कहते हैं चट्टानों को, पहाड़ों को, और इन चट्टानों वगैरह से डिफरेंट किस्म की हमें मेटल्स, ग्लास, सैंड, क्ले, लाइमस्टोन एंड मार्बल, ये सब चीज़ें हमें हासिल होती हैं। और इन मटेरियल से, इन रॉ मटेरियल से हम लोग डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। लाइक वायर मेटल से तैयार की जाती हैं, पॉट्स, बर्तन वगैरह ग्लास से तैयार किए जाते हैं, पैन्स एंड क्वाइंस, कार्स, डोर्स, बिल्डिंग्स। एंड अदर वन इज़ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट मीन्स डैट फ्रॉम लिविंग थिंग्स वी गेट वुड, फर, मिल्क एंड कॉटन। एंड बाई यूजिंग दीज रॉ मटीरियल्स वी कैन प्रिपेयर पेपर, वूल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फर्नीचर। और इसी तरह से हम लोग के पास नेक्स्ट वन है, सोर्स इज़ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं और ज़मीन के नीचे काफ़ी टाइम बरिड रहने के बाद इनमें से डिफरेंट किस्म की गैसेस निकलना शुरू हो जाती हैं और ये स्टोन वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल रॉ मटेरियल्स हैं, फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैं ये रॉ मटेरियल्स के। इन फॉसिल फ्यूल से जो ये ज़मीन के नीचे मौजूद होते हैं इनसे हम डिफरेंट किस्म की चीज़ें हासिल करते हैं, रॉ मटेरियल हासिल करते हैं। लाइक कोल, कोल कहते हैं कोयले को, पेट्रोलियम, ये भी एक किस्म का मटेरियल है जो ज़मीन से आता है, नेचुरल गैस जिसे आम नेचुरल गैस वगैरह जो घरों में स्टोव वगैरह में इस्तेमाल की जाती है कुकिंग वगैरह के लिए। सो ये रॉ मटेरियल्स हम हासिल करते हैं फॉसिल फ्यूल से, और फिर इन रॉ मटेरियल से हम डिफरेंट किस्म की चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं लाइक कॉक, फ्यूल एंड प्लास्टिक्स। और ये जो चीज़ें हैं डिफरेंट किस्म की, ये डिफरेंट लाइफ में इस्तेमाल की जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा है एंड वी रेड अबाउट सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड दीज सोर्सेज नेचुरली अकरिंग एंड वी गेट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम दीज सोर्सेज एंड आफ्टर गेटिंग दीज रॉ मटेरियल्स वी प्रिपेयर डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड वी आर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स इन आवर डेली लाइफ रूटीन। सो डियर स्टूडेंट्स, लर्न क्वेश्चन नंबर 6 बाय हार्ट फ्रॉम नोट्स। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।